अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, अभी मुझे पता चला कि 5 राज्यों में तो घोषित भी कर दिया है इलेक्शन, अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, एमपी इलेक्शन होना है जी। अभी की जो पोजीशन देखी जा रही है, आपको क्या लगता है इस बार फिर आपके पास से बाजी मारी जाएगी? 2024 में खासदार इम्तियाज जलील साहब 1 लाख की लीड से चुनकर आने वाले हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे कॉर्पोरेशन का कोई टिकट नहीं चाहिए। एमएलए की रेस में हम पहले भी थे, आज भी है, और अगर हमारी पार्टी को लगा कि समीर को देना चाहिए तो देगी, नहीं दिए तो जैसे काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है आवाम से, देखिए ये लोग जो कांग्रेस के जब हुकूमत थी, जब एनसीपी की हुकूमत थी, जब इनकी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी शिवसेना की हुकूमत थी, तब क्यों नहीं गए ये लोग मुंबई, तब क्यों नहीं इन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए? आज जब जो है तो आप विपक्ष में बैठ गए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो चले हम चले जो है तो रिजर्वेशन के तालुक से हम जा रहे हैं रिजर्वेशन की बात करने के लिए। अरे जब आप हुकूमत में थे, जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों की हुकूमत थी, तब क्यों गूंगे भैरे हो गए थे आज आप लोग? और आज की जो तो आपको वो सब हमारी फरियाद को सुनना छोड़े और जो है तो डीवाईएसपी साहब को कह रहे हैं कि कैमरे चेक करो, किसने क्या बोला, आप निवेदन लेकर आए, आपको जो है तो परमिशन थी क्या, निवेदन लाने से पहले आपने इंटीमेशन दिया था क्या? अरे आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, एसडीएम साहब, आपके दफ्तर में कोई फरियाद लेकर आएगा तो आपको सुनना पड़ेगा। इंटीमेशन देकर नहीं आएंगे आपको हम, फरियादी इंटीमेशन देकर नहीं आता। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है, उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों को काम करते रहे। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जब जब बात आती है सियासत की, जब जब बात आती है पॉलिटिक्स की, कहीं ना कहीं औरंगाबाद शहर के अंदर चेहरे सामने आते हैं, और जब चेहरे सामने आते हैं तो नाम आता है एक ऐसा नाम, एक ऐसे नौजवान का नाम जो तड़क फड़क जब जब औरंगाबाद में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ पर एक नौजवान का नाम सामने आता है। वो नौजवान का नाम है समीर साजिद बिल्डर। इस नौजवान ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अब सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जो सिल्लोड की है। अब क्या प्रकरण है, आखिर क्या बात है, क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा आग बबूला हुआ मामला, क्या उसकी अक्कर असलियत है, ये मैं जानने के लिए आज पहुँचा हूँ औरंगाबाद शहर के दारुस्सलाम। मेरे साथ मौजूद AIMIM के औरंगाबाद जिला सदर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर वेलकम है आपका हमारे इतने चैनल में। सर मैंने देखा ये जो वीडियो आपकी वायरल हुई बड़ी तेजी से अभी वायरल हो भी रही है, एक्चुअली मामला क्या था? देखा जा रहा है कि कहीं देखने वालों को निगेटिविटी ये पैदा हो रही है कि आप लोग SDM के खिलाफ गए या SDM के साथ बदसलूकी की, एक्चुअली पूरा प्रकरण क्या है? देखिए जब जब आवाम का कोई मामला होगा, जब जब आवाम के ऊपर जुल्म होगा, तो चाहे वो SDM रहो, कलेक्टर साहब रहो या कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी रहो या मंत्री रहो, हम उसके खिलाफ जाएंगे, उसको रोकेंगे, जब तक हमारा मुतालबा सुना नहीं जाएगा आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो सिल्लोड के अंदर SDM ऑफिस के अंदर हुआ उसकी वजह आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए सिल्लोड तालुके के अंदर, बोरगांव के अंदर हमारी दो बहनें जो है तो शहीद हुई, उनका जो तो कत्ल हुआ। हमारी मांग ये थी कि भाई पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। चलिए हम लोग SDM साहब के पास गए, वहाँ पे जाके हमारा मुतालबा था, हम चाहते थे कि SDM साहब टेंट के अंदर आए और जो वो शहीद हमारी बहनें हैं उनकी माँ की, उनकी बहन की, उनके बच्चों की फरियाद को सुने, मगर SDM साहब बाहर नहीं आए और वहाँ पर मॉब थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था, तो हमने कहा चलो जानो तो हम ही अंदर चले जाते। हम जब अंदर गए SDM ऑफिस के अंदर बैठे तो SDM साहब हमारी फरियाद को सुनना छोड़े और जो है तो DYSP साहब को कह रहे हैं कि कैमरे चेक करो, किसने क्या बोला, आप निवेदन लेकर आए, आपको जो है तो परमिशन थी क्या, निवेदन लाने से पहले आपने इंटीमेशन दिया था क्या? अरे आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, SDM साहब, आपके दफ्तर में कोई फरियाद लेकर आएगा तो आपको सुनना पड़ेगा। इंटीमेशन देकर नहीं आएंगे आपको हम, फरियादी इंटीमेशन देकर नहीं आता, फरियादी उसकी फरियाद को लेकर आपके सामने कभी भी आ सकता है और आपका ये फर्ज है कि आप हमारी फरियाद को सुने। ये फरियाद को सुनना छोड़े, कैमरे चेक करो, किसने क्या बोला, परमिशन लेकर आए क्या, 4 मिनट तक यही बात के ऊपर बहस चली और आखिर में कहते हैं कि हमने आपको कुर्सी दी है बैठने के लिए। अरे कुर्सी क्यों दे रहे भाई, जरूरत नहीं है आपकी कुर्सी की हमको,
हमको कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम आवाम के लिए खड़े कर भी और रोड के ऊपर बैठ कर भी बात करने के लिए तैयार है। इसी वजह से बहस बढ़ी और मैंने कुर्सी छोड़कर उठकर खड़ा हुआ और एसडीएम साहब से जो है तो बहस की जंग। बाद में क्या रिजल्ट लगा फिर, बाद में उनसे बात करने के बाद में? बाद में देखिए भाई, उसकी हमारी वो सारी मीटिंग का सारा ये हुआ कि एसडीएम साहब को सबसे पहले तो ये पता ही नहीं था कि सिल्लोर के बोरगांव के अंदर हुआ क्या है, पूरा वाकया उनको पता ही नहीं था। हमने पूरा वाकया उनके सामने रखा, देखिए 2 फीट के पानी के अंदर कोई भी डूब के नहीं मर सकता, ये तो लॉजिक है और छोटे बच्चे भी इस बात को समझ सकते, मगर वहाँ के पीआई साहब डीवाई साहब ये बात को मानकर चल रहे थे कि नहीं वो दोनों जो है तो खवातीन का इंतकाल जो है तो पानी में डूब कर हुआ, जबकि वो खवातीन की एक जो है तो हमारी बहन की ओढ़नी जो है तो बाजू के एक मल्ले के अंदर खून से लथपथ मिली, वहां पर रस्सियां थी जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। अब बड़ी हैरत की बात है कि पीआई साहब जो है तो वो खून को देखकर डायरेक्ट बोल देते कि ये खून जो तो बैल का है, अब क्या मालूम चाहे वो पीआई साहब के आंखों में कोई लेंस है, कोई कैमरा है या कोई और टेक्निकल चीज लगी हुई है जिससे उनको पता चल जा रहा है कि वो खून बैल का है या इंसान का है। हम तो इंसान है, हम जब तक वो लैब से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये कह नहीं सकते। एसडीएम साहब से बात करने के बाद में एसडीएम साहब ने क्या इसके ऊपर मतलब ताबड़तोड़ को एक्शन लिया या फिर आपसे बात ही खत्म हो गई? एसडीएम साहब ने जो है तो डीवाईएसपी साहब से कहा है कि इसके अंदर जो है तो 302 का एंगल बनता है। अच्छा, और आप जो है तो वालदा का, उसके शौहर का, वहाँ के जो है तो लोगों का बयान दीजिए और इसके अंदर 302 के तहत जो आप एफआईआर दर्ज करिए। अच्छा, उसमें ये एक चीज और देखने को मिली समीर भाई, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स तो ये भी है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी स्टन है क्योंकि वहाँ पर जाना, हंगामा करना, इस सवाल को किस हद तक देखा जाए? भाई देखिए, मैं तो गया था, मेरी 2 बहनें जो शहीद हुई उनके इंसाफ के लिए जंग करने के लिए मैं वहाँ पर गया था, ना कोई स्टंट के लिए गया था ना कोई और चीज़ के लिए गया था। अगर स्टंट के लिए जाता तो पूरा फौज फाटा लेकर जाता, अकेला ना जाता। और जो वहाँ पर आवाम मेरा इंतज़ार कर रही थी, ये इस बात का सबूत था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर आवाम का, हमारी बहनों का जो शहीद हुए उनके लिए हम लोग मुतालबा करने के लिए गए थे। अरे हमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? अगर वहाँ के सिल्लोर के हमारी पुडारी, सिल्लोर के हमारे जो है तो पॉलिटिकल लोग जो शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी ताल्लुक रखते हैं, शिंदेगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर पब्लिक को इंसाफ दिलाया होता तो हमारे वहाँ पर जाने की नौबत ही नहीं आती ना। हाँ, अच्छा समीर भाई, पॉलिटिक्स की जब बात आती है, अभी हाल ही में देखा जा रहा है, मैंने हाल ही में भी देखा है कि कुछ लोग रिजर्वेशन के लिए पैदल मुंबई की तरफ पैदल हो जा रहे हैं। अभी तक देखा ही गया कि एमआईएम की तरफ से समर्थन नहीं मिला उन लोगों को, एमआईएम की तरफ से उन लोगों को किसी ने समर्थन नहीं दिया, कोई उसके समर्थन की बात भी नहीं चल रही है। अब जिला अध्यक्ष है आप, क्योंकि जिला की जिम्मेदारी आपकी तरफ है, इस बात को कितना सीरियस लेंगे? क्योंकि वो जा तो इधर से रहे हैं, जिस तरीके के आपके जिले लग रहे हैं वैजापुर से लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए लोग पैदल निकल रहे हैं, 100 का काफिला यहाँ से जा रहा है। देखिए भाई, कौन जा रहे कौन नहीं जा रहे वो मेरा मसला नहीं है, मेरा कहना ये है आवाम से, देखिए ये लोग जो कांग्रेस के जब हुकूमत थी, जब एनसीपी की हुकूमत थी, जब इनकी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी शिवसेना की हुकूमत थी, तब क्यों नहीं गए ये लोग मुंबई? तब क्यों नहीं इन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए? आज जब जो है तो आप विपक्ष में बैठ गए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो चले हम चले जो है तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम जा रहे हैं रिजर्वेशन की बात करने के लिए। अरे जब आप हुकूमत में थे, जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों की हुकूमत थी, तब क्यों गूंगे भैरे हो गए थे आज आप लोग? और आज की जो तो आपको वो सब याद आ रहा? देखिए रिजर्वेशन के ताल्लुक से खादर इम्तियाज जलील साहब आज से नहीं, पिछले 8-9 साल से लगातार जंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, सरकार के सामने भी मुतालबा बार बार किया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, ये मुसलमानों के हक की बात है। देखिए हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा था अपने डिसीजन के अंदर कि जे तो मुसलमानों को कम से कम एजुकेशन के अंदर 5% रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे महफूजुर रहमान का जो है तो अलग अलग कमेटी ने बार बार जो तो गवर्नमेंट को ये मुतालबा किया कि आज महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की हालत दलित समाज से भी गई गुजरी है, मुसलमानों को जो है तो रिजर्वेशन दिया जाए, ये हर कमिटीज ने कहा और हाई कोर्ट ने भी कहा, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इनकी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा, अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, अभी मुझे पता चला कि 5 राज्यों में तो घोषित भी कर दिया है इलेक्शन, अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, एमपी इलेक्शन होना है जी। अभी की जो पोजीशन देखी जा रही है, आपको क्या लगता है इस बार फिर
आपके पास से बाजी मारी जाएगी 2019 में। प्रकरण अलग बना 2024 में खासदार इम्तियाज जलील साहब 1 लाख की लीड से चुनकर आने वाले हैं। पिछले 5 साल पहले एक प्रकरण बना था जी, एक अलग निवेदन बना था। एक साइड से हर्षवर्धन जादव थे, चंद्रकांत खैरे जी थे, दीगर लोग भी और खड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा प्रकरण नहीं है। इस बार कैसा प्रकरण है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पिछले 25 साल से मेरे औरंगाबाद जिले की, आपके औरंगाबाद जिले की रहबरी पार्लियामेंट के अंदर कभी हुई नहीं। कभी किसी ने ये नहीं सुना औरंगाबाद का नाम पार्लियामेंट के अंदर, कभी किसी ने नहीं सुना। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि औरंगाबाद जिले का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। 25 साल से हम इस चीज से जो वंचित थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने लगातार पार्लियामेंट के अंदर औरंगाबाद जिले के, औरंगाबाद शहर के, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के मुद्दों को उठाते रहे, बार बार सरकार के सामने बताते रहे कि किस तरीके से हमारा औरंगाबाद जिला पिछड़ा हुआ है, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे वो MIDC के मामले में हो, चाहे स्कूल के मामले में हो, अलग अलग मामलों के अंदर जो है तो औरंगाबाद जिले का रिप्रेजेंटेशन ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। और मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि हर समाज के व्यक्ति ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि नहीं, ये हमको एक सुशिक्षित, एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा खासदार मिला है और इसको हम जो है तो आज लाइक करते हैं। आप देखिए, आदर्श घोटाला किसने उसको जो है तो 6 मंत्री औरंगाबाद के अंदर थे, किसने उस जो है तो आदर्श घोटाले की बात जो है तो शुरू किया, किसने जो है तो आवाम का पैसा दिलाने के अंदर जो है तो जद्दोजहद की। औरंगाबाद जे आदर्श घोटाले के अंदर 10% भी मुसलमानों का जो है तो कोई रोल नहीं है, 90% से ज़्यादा जो है तो हमारे गैर समाज के भाई, हमारे मराठा भाई हो या कोई और समाज के भाई हो, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर कोई रोड के ऊपर उतरा तो उस शख्स का नाम खासदार इम्तियाज जलील है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा ये सवाल मुझे लगता है आपके लिए कठिन है। आप आने वाले वक्तों में ये हवा ये है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, MLA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप मध्य से लड़ेंगे, पूर्व से लड़ेंगे, पश्चिम से लड़ेंगे, ये तो आपका इशू तय करता है जी। अक्सर आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस बार आपका क्या सवाल है? मैंने हमेशा कहा है कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे कॉर्पोरेशन का कोई टिकट नहीं चाहिए। MLA की रेस में हम पहले भी थे, आज भी है, और अगर हमारी पार्टी को लगा कि समीर को देना चाहिए तो देगी, नहीं दिए तो जैसे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह वैसे। अच्छा, काम अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर क्या करेंगे? फिर MIM में रहेंगे? तो जिसको टिकट देंगी इंशाल्लाह उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे उसके लिए, बिल्कुल। लब्बैक 2019 में भी किए थे, 24 में भी करेंगे। नहीं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है नाराजगी दिखाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। भाई 2019 में भी ऐसा लग रहा था मुझे टिकट मिल जाएगा, एन मौके पर सदर साहब का जब ट्वीट आया तो हमने लब्बैक कहा और इंशाल्लाह आगे भी लब्बैक कहेंगे। देखिए, समीर साजिद बिल्डर रहेंगे मैम में, समीर साजिद बिल्डर जरूरी नहीं है, जमात जरूरी है। और मेरा जो भी आज नाम है काम है जमात की वजह से और खासदार साहब की मुझसे मोहब्बत की वजह से, तो इंशाल्लाह इस मोहब्बत को हम दायम व कायम रखेंगे। टिकट मिले ना मिले MIM में ही रहेंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। ये थे समीर साजिद बिल्डर साहब, जो AIMIM के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष है। जैसे इनसे मेरे बात करने की एक चीज़ पता चली है, जैसे इन्होंने कहा कि जो सिल्लोड के अंदर जो हंगामा हुआ, जो एक मसला चला, वो मसला जो है पूरी बातें आपके सामने क्लियर चलकर आई है कि क्या मसला हुआ, आखिरकार क्यों बहस हुई, बहस होने की क्या वजह थी। समीर साजिद बिल्डर से बात करने के बाद में सारी चीज़ें पता चली है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में अब इलेक्शन होना है, औरंगाबाद का इलेक्शन या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होना है, खासदार के इलेक्शन होना है, आमदार के इलेक्शन होना है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर AIMIM इनके ऊपर भरोसा करती है, टिकट्स देती है, तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, और अगर टिकट नहीं भी देती है तो एक मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में रहेंगे। जैसे इनसे बात करने के बाद और एक चीज़ पता चली है कि जैसे इन्होंने कहा कि जो प्रकरण हुआ, अगर इसको इस वक्त SDM या उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसको सीरियस लेता तो ये नौबत ही ना आती कि वहाँ पर ये जाएं, या सियासत के जो इस वक्त वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं वो लोग अगर इसको सीरियस लेते तो वहाँ जाने की नौबत ना आती। आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा औरंगाबाद शहर में, सियासत में हो या उसके अलावा महाराष्ट्र में नया सियासत देखने को मिलेगा। कैमरामैन सैयद के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद।